बीजेपी ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा दयाशंकर सिंह को दोनों पार्टियों के मिलीभगत के कारण ही अब तक पकड़ा नहीं गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने नेताओं का बचाव किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए आश्वासन दिया कि उन्हें जल्द इंसाफ मिलेगा। मायावती ने कहा बसपा ने दयाशंकर की गिरफ्तारी को लेकर जो समय दिया था वो अब खत्म हो गया। इसके लिए हम विरोध प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन अब हमें नहीं लगता कि उसे गिरफ्तार किया जाएगा। अब हम एसपी और बीजेपी के मिलीभगत का खुलासा करेंगे। इसकी शुरुआत 21 अगस्त को आगरा से महारैली के रूप में की जाएगी। गुजरात के राजकोट में दलित युवक से मिलने गए राहुल गांधी की सिक्योरिटी में ढिलाई का बड़ा मामला सामने आया है। ऊना में दलित युवकों के घर सांत्वना के लिए गए राहुल गांधी वहां पीड़ित की फर्जी वहां से मिलकर आ गए। ऊना में हुई दलितों की पिटाई के बाद राहुल गांधी यहां पहुंचे थे। हमदर्दी के लिए राहुल गांधी राजकोट सिविल अस्पताल गए तो वहां पीड़ितों की मां बनी महिला से मिले, जहां उन्होंने उनसे हाथ मिलाया और सांत्वना के लिए गले भी लगाया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष की सुरक्षा में हुई चूक के बाद अब कांग्रेस ने गुजरात कांग्रेस से सफाई मांगी है। कांग्रेस और राहुल की सुरक्षा करने वाले एसपीजी के लिए किसी फजीहत से कम नहीं। जहां राहुल गांधी का दौरा होने वाला था वहां एक ऐसी महिला पहुंची हुई थी जिससे उसका होना गैर जरूरी था। ये मामला पूरी तरह से सुरक्षा की चूक का है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दलित समुदाय के लोगों पर हमले के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए बीजेपी नेतृत्व पर इस तरह के कृत्यों को सहयोग देने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा प्रधानमंत्री मोदी दलितों पर हो रहे हमलों पर लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। इस तरह के हमले शीर्ष बीजेपी नेतृत्व के सहयोग से ही हो रहे हैं। केजरीवाल ने शुक्रवार को गुजरात के ऊना का दौरा कर दलित पीड़ितों से मुलाकात की थी। कथित गोरक्षकों ने इन दलितों को मृत गाय की खाल निकालने के आरोप में जमकर पीटा था। केजरीवाल ने इस घटना के लिए गुजरात सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा ने अंडर 20 जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा है। पोलैंड के बेडगोज में चल रही अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज ने 86.48 मीटर भाला फेंका, जो इस कैटेगरी में नया विश्व रिकॉर्ड है। इसी के साथ पहली बार भारत की झोली में इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल आया है। नीरज ने विश्व रिकॉर्ड को करीब 2 मीटर के फासले से तोड़ दिया। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। चोपड़ा से पहले यह रिकॉर्ड लातविया के जिंगी मुंडस श्रीयमर्स के नाम था, जिन्होंने 84.69 मीटर भाला फेंक कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत जिले के रहने वाले हैं। इस रिकॉर्ड के साथ ही नीरज चोपड़ा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के किसी भी स्तर पर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। रियो ओलंपिक में भारत की ओर से गए भारतीय पहलवान नरसिंह यादव नाडा द्वारा कराए गए डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। इससे उनका ओलंपिक में खेलना मुश्किल में पड़ गया है। इस खबर के बाद पहलवान सुशील कुमार के कोच सतपाल सिंह ने कहा अगर ये खबर सच है तो ये देश के साथ धोखा है। ओलंपिक शुरू होने से 10 दिन पहले भारत को करारा झटका लगा। 74 किलो फ्री स्टाइल पहलवान नरसिंह यादव को डोप टेस्ट में फेल होने के बाद रियो ओलंपिक में भागीदारी भी खतरे में पड़ गई। राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी के डीजी ने कहा नरसिंह प्रतिबंधित एस्ट्राइड के सेवन का दोषी पाया गया है। उसका बी नमूना भी पॉजिटिव निकला। जब उसका बी नमूना खोला गया तब वो खुद भी मौजूद था। पैनल ने इस मसले पर और रिपोर्ट मांगी है। उम्मीद है कि पैनल जल्द कार्रवाई करेगी। हमें तब तक का इंतजार करना होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर कल लोगों के सवालों का लाइव जवाब देंगे। राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति के तौर पर 4 साल पूरा करने की पूर्व संध्या पर मुखर्जी फेसबुक लाइव पर लोगों के सवालों के जवाब देंगे। प्रश्नोत्तर का ये कार्यक्रम शाम 7:30 बजे से रात 8:30 बजे तक चलेगा, जिसका विषय होगा पीछे छोड़ते मील के पत्थर। राष्ट्रपति के पद पर प्रणब मुखर्जी के 4 साल। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति के प्रेस सचिव वेणु राजामणि भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति भवन के फेसबुक पेज पर लोग अपने सवाल भेज सकते हैं। किसानों से खरीदे गए करीब 9.5 लाख टन प्याज को बेचना शुरू करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने उम्मीद जताई कि इसमें से 90% खेप अगले 2 हफ्ते में बिक जाएगी।
प्रदेश के मुख्य सचिव एंटोनी डीसा ने कहा, हमने सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर किसानों से खरीदे गए प्याज की 4 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक्री शुरू कर दी है। हमें उम्मीद है कि इसमें से 90% प्याज अगले 2 हफ्ते में बिक जाएगी। प्याज की कीमतें थोक बाजार में लुढ़कने के बाद किसानों को घाटे से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने 4 जून से 30 जून के बीच किसानों से 6 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर 1,04,000 टन प्याज की खरीद की थी। ये खरीद मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के जरिए कराई गई थी और इस प्याज की बिक्री का जिम्मा भी इसी एजेंसी को दिया गया है। ट्विंकल खन्ना ने वरिष्ठ अभिनेता नसरुद्दीन शाह पर उनकी टिप्पणी के लिए पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, 70 के दशक में हिंदी फिल्म उद्योग में मध्यम स्तर लाने के लिए उनके पिता दिवंगत एक्टर राजेश खन्ना जिम्मेदार है। राजेश खन्ना की बड़ी बेटी ट्विंकल, उनकी माँ डिम्पल कपाड़े ने ट्वीट किया, महोदय अगर आप जीवंत लोगों का सम्मान नहीं कर सकते तो मृतक का कीजिए। मध्यम स्तर एक ऐसे व्यक्ति पर हमला है जो प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। नसरुद्दीन शाह ने एक साक्षात्कार में कहा था कि 70 का दशक वो वक्त था जब हिंदी फिल्मों में मध्यम स्तर आया और तभी राजेश इस उद्योग में आए जो उनके मुताबिक एक कमजोर अभिनेता थे। वहीं ट्विंकल के दोस्त और फिल्म मेकर करण जौहर उनसे सहमत जताते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी अच्छी नहीं है। प्रशासन ने कश्मीर घाटी में कानून और व्यवस्था में मामूली सुधार के मद्देनजर रविवार को घाटी के 4 जिलों में लगा कर्फ्यू हटा दिया है। पुलिस ने पुष्टि करते हुए कहा कि गांदरबल, बडगाम, बांदीपोरा और बारामूला जिलों से कर्फ्यू हटाया गया है। राज्य सरकार इन 4 जिलों में स्कूलों को खोलने के आदेश पहले ही दे चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि श्रीनगर के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू और प्रतिबंध अभी भी लगा हुआ है। श्रीनगर के कुछ हिस्सों में निजी वाहन सड़कों पर दिखाई दिए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर में नेहरू गेस्ट हाउस में कई प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि इन प्रतिनिधियों में लोक समाज, मौलवी, सिख, पंडित समुदाय के सदस्य भी शामिल है। वे सीएम महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि वे दिल्ली रवाना होने से पहले कानून और व्यवस्था पर चर्चा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बिहार में सीवान के बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे को हाजीपुर जीआरपी ने छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी उस समय हुई जब वे अप पूर्वांचल एक्सप्रेस की AC2 बोगी A1 में सफर कर रहे थे। उनके बगल के बर्थ पर अपने पिता के साथ सफर कर रही 12 साल की एक लड़की ने एमएलसी पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। इस मामले में एमएलसी पर FIR दर्ज कराई गई। बीजेपी ने फौरन कार्रवाई करते हुए एमएलसी टुन्ना पांडे को पार्टी से निलंबित कर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। पांडे ने खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने कहा कि वो अपना चार्जर निकाल रहे थे तभी लड़की ने शोर मचा दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही ट्रेन में एस्कॉर्ट कर रही जीआरपी ने हाजीपुर जीआरपी थाना अध्यक्ष संजय सिंह को सूचना दी, जिसके बाद ट्रेन के हाजीपुर में रुकते ही एमएलसी को बोगी से उतार कर जीआरपी थाने लाया गया। हालांकि एमएलसी ने छेड़खानी से इनकार किया है। महिलाओं के साथ बदसलूकी के आरोप में दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार कर लिया। आप विधायक के खिलाफ 3 अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई गई। उनके खिलाफ IPC की धारा 509 और 506 के तहत गिरफ्तार किया गया है। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने ऊना हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने ट्वीट में ऊना में दलितों की पिटाई और हिंसा के लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया है। केजरीवाल ने लिखा, दलित हमलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार चुप्पी से साबित होता है कि ये हमले बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के सक्रिय सहयोग से हो रहे हैं। इससे पहले दिल्ली के सीएम ने राजकोट जाकर अस्पताल में पीड़ितों से मुलाकात की थी। इस दौरान केजरीवाल ने गुजरात सरकार को दलित विरोधी करार दिया। उन्होंने गुजरात सरकार पर दलितों का दमन करने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश में BSP और बीजेपी के बीच चल रही लड़ाई में बीजेपी के एक सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। बलिया में सलेमपुर से बीजेपी के सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर मायावती ने नसमुद्दीन सिद्दकी को पार्टी से नहीं निकाला तो वो बीजेपी आलाकमान से दयाशंकर सिंह की पार्टी में वापसी की मांग करेंगे। बलिया में बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि दयाशंकर के बयान के बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पार्टी के सभी पदों से हटाते हुए 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन दयाशंकर के परिवार के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले BSP नेता नसीमुद्दीन सिद्दकी के खिलाफ मायावती ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि अगर माया नसीमुद्दीन की टिप्पणी को गलत नहीं मानती तो दयाशंकर ने भी मायावती के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की है।